और ये बैठने जा रहा अपनी पहली फ्लाइट में, कैसा लग रहा है? मिक्की माउस को भी सहला दे सिब्बू, वो भी पूछ हिला रहा है। हाय सिब्बू, प्रिटी लग रहे हो आप, ये काकरा खा रहे हो, ऑरेंज लेट्स गो। सो हेलो भाई जिगरियो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, नमस्ते, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आपको पता है आज हम निकल रहे हैं मुंबई और सुबह सुबह हम लोग आ गए एयरपोर्ट पे। अभी टाइम क्या हुआ है? 5:15। हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं बॉम्बे। यह बॉम्बे मतलब मुंबई। मीना ब्रो अपना ख्याल रखियो। मैं तो बढ़िया हूँ। मैं सिब्बू और शिवम मिक्की माउस हम जा रहे हैं मुंबई, पता है मेरे को। और तू ख्याल रखियो। और गाइस मैं पता है कि चश्मा क्यों लगा रखा है? क्योंकि क्योंकि भाई मेरी आंख में भरी हुई नींदे और मेरे को बहुत तगड़ी नींद आ रही है। मेरी आंख फूल के ना ऐसे सूज के ऐसी हो रखी है कि मैं दिखा नहीं सकता, इसलिए मैंने चश्मा लगा रखा है। ये तेरी फर्स्ट फ्लाइट है? हाँ। सो गाइस चलो इसकी फर्स्ट फ्लाइट भी हम देखेंगे, लेकिन एक बार चेक इन कर लेते, देखते हैं इसकी कितनी दिक्कत आती है कितनी दिक्कत नहीं आती। ब्रो विनय, विनय भाई इंस्टा का ख्याल रखियो, घर का ख्याल रखियो और अपनी वीडियो शूट कर लियो मेन चैनल की। ठीक है। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि विनय भैया की मेन चैनल की वीडियो कब आएगी, तो हम उसका वेट कर रहे हैं भाई। ओके ठीक है। गाइस ये विनय पता नहीं कब शूट करेगा मेन चैनल की वीडियो, वी डोंट नो कब करेगा भाई, बता तो दे। तू जा रहा है ना, कर लूंगा मैं। मिकी माउस तेरी फर्स्ट फ्लाइट है ना? हाँ। तो तू भाई लगेज उठाएगा मेरा, ये तेरा टारगेट है, ये तेरा चैलेंज है। ओके। और सिब्बू तेरा भी उठवाना है? मैं नहीं उठा। अरे वाह, सिब्बू जैसी लड़कियां होनी चाहिए सारी, अपना काम स्वयं करो वाली लड़कियां। सिब्बू सल्यूट टू यू, आत्मनिर्भर वाओ सिब्बू सल्यूट टू यू यार। लेकिन मैं बहुत ढीठ हूँ, मेरा सामान उठाएगा मिकी माउस। बाय ब्रो, टेक केयर, लव यू। ओके लव यू टू, बाय। सो गाइस विनय एक्सयूवी लेके जा रहा है। सो गाइस अपनी एक्सयूवी जा रही है, बाय एक्सयूवी। दो दिन के बाद, तीन दिन के बाद मिलते हैं, जब भी मुंबई से वापस आएंगे, पता नहीं कब आएंगे। सो गाइस फाइनली हम एयरपोर्ट पे आ गए हैं और मिकी माउस की है फर्स्ट फ्लाइट। ओ माय गॉड, तेरे पीछे देख रहा है कितना बड़ा हाथी है, चल चले। चलो। सो गाइस इसी के साथ शिवम का पहला सिक्योरिटी चेक इन हो गया, क्लियर कंप्लीट। कंप्लीट कैसा लगा? बहुत अच्छा। सिक्योरिटी वाले ने क्या क्या चेक किया? अरे मैं तो फोन डालना ही भूल गया था, बाद में डाल। भाई ये फोन डालना भूल गया आइल के ऊपर, मैंने इसको बोला कि भाई आइल पे फोन डाल के आ, और उसके बाद फिर इसने फोन डाला और फिर हम फाइनली आइल को क्लियर करके आए। अभी हमारा गेट नंबर है 62। तेरे को पता है अगर तू ये तेरे को देख रहे शोरूम, अगर तू एयरपोर्ट से सामान खरीदेगा ना, तेरे को 3 गुना महंगा पड़ेगा। लाइक अगर 10,000 की घड़ी है ना, यहाँ तेरे को मिलेगी 30,000 की। ये सिब्बू ने एयरपोर्ट से लिया था, कितने का था सिब्बू ये याद हो तो? मेरे को याद है ना, 8-9 हज़ार का था ये, 8-9 हज़ार का था। नॉर्मली अगर तू इसके इसी के स्टोर से खरीदती ना, तेरे को 2,000 का पड़ता। तेरे को मुंबई लेके जा रहा हूँ, मेरी ज्यादा जेब ढीली मत करवाइयो, यहाँ से कुछ खरीदने की मत सोचियो अब तू। बेवकूफी है कुछ भी खरीदना। देख रहे हो मिकी माउस की फर्स्ट फ्लाइट हो रही है, भाई मैं फुल नींद में हो रखा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है यार सो जाऊं यहीं पे, फ्लाइट जाए भाड़ में, मेरे यहीं सो जाऊं। वो देख रहे हो पीछे सफारी खड़ी है बोरी, उसी के अंदर गेट खोलूं और वहीं सो जाऊं। कहाँ गए ये देखो भाई, ये गुम हो गए। अरे ए भैया फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट पे है तो खो गया क्या तू? हम गुम नहीं हुए थे, आप हो गए थे। अच्छा अच्छा मैं, अरे यार मैं इतनी बार आया हूँ फ्लाइट में, मेरे को सिखा रहा की मैं गुम हो गया। वाओ ओ माय गॉड गाइस, गाइज मेरे को थोड़ी सी सहानुभूति दो। सो गाइज अभी मिक्की माउस फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट के टॉयलेट पे सुसू करके आया, कैसा लग रहा भाई? सही लगा। एयरपोर्ट पे सुसू करके सही लगा, इधर नॉर्मली घर में भी करते हैं, अभी करते बात तो वही है। नहीं भाई इतने लग्जरी एरिया पे सुसू करके और घर वाले एरिया में सुसू करे, कुछ तो फर्क लगा होगा। हाँ क्या क्या, बट यहाँ पे खुले में अलग फील आती है, घर में। यार ये खुला क्या होता है यार, ये तो गलत चीज है यार, तू छोड़ यार, तेरे बस की नहीं है। तू मैं कहना चाहूंगा मेरे को अच्छा लगा भाई, ये फ्लाइट में बिठाने के लायक नहीं है। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. So guys, पता है क्या? सिब्बू लोग गई थी बहुत ज्यादा भूख, और क्या दिलवाया तेरे को? बर्गर। भाई एयरपोर्ट से बर्गर कितने का मिला हुआ था? मैंने देखा, पे तुमने किया 400 रुपए का बर्गर, और ये रेडी पे खा लेता 20 रुपए का मिलता, 400 रुपए में 20 बर्गर आते। भाई ओ माय गॉड, भाई सिब्बू को ना बहुत। हाँ ई रिक्शा में ले चलते हैं, फ्लाइट में क्यों ले जा रहे हो? सिब्बू हम मुंबई जा रहे हैं और सिब्बू को लगी थी बहुत ज्यादा भूख, तो भाई 400 रुपए का बर्गर, ओ माय गॉड।
want to be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think. So guys, 6:45 की सुबह की हमारी थी डिपार्ट. अभी टाइम हो चुका है 6:23 और ये लोग कहाँ हैं? ये रे लोग भाई, जल्दी आ जाओ गाइस, हमारी फ्लाइट छूट जाएगी. कुछ चुनिंदा पैसेंजर बचे हैं जिनको जाना भी फ्लाइट में. आ जाओ दोस्तों. सिब्बू बर्गर खाते हुए आ रही है यार. क्या हुआ? डस्टबिन क्या है? बेकार है बर्गर. नहीं ये तो फ्लाइट में लेके सुनेंगे. नहीं फ्लाइट में लेके जा, क्या दिक्कत है, पैसे भर देंगे, कमी थोड़ी है पैसे की. खा तू बर्गर, मौज ले. सो गाइस, फाइनली हमने सारे सिक्योरिटी चेक इन क्लियर कर लिए और ये बैठने जा रहा अपनी पहली फ्लाइट में. कैसा लग रहा है? देख रहे कैसा लग रहा है? लेकिन चला कितना है इतना भाई साहब? पता है क्या, हम कम से कम 2-3 किलोमीटर चले होंगे पैदल और इतनी नींद में हमें इतना पैदल चला गया ना यार, कसम से ऐसा लग रहा है फ्लाइट में जाते सो जाऊं बस. कैसा लग रहा है शिवम? बहुत अमेजिंग. फ्लाइट में बैठने जा रहा है तू? बता, मेरे को दग दग हो रहा है थोड़ा सा. क्यों दग दग क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि प्लेन जब ऊपर जाएगा तो अजीब सा फील नहीं होता होगा. गाइज आपको एक बात और बताऊं, मेरे कान में दिक्कत आप लोगों को पता है और डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि फ्लाइट में नहीं बैठना, बट अब क्या करूं यार, म्यूजिक वीडियो का शूट है, मुंबई जाना था, सब कुछ चीजें प्लान है, अब बैठना तो पड़ेगा यार, क्या कर सकते हैं. आई होप कि सब सही जाए, फ्लाइट में कोई दिक्कत ना हो मेरे को, मैं सो जाऊं बस यार, कान में दिक्कत ना हो. कार से चल लेते हैं. कार से? हाईवे तो बन गया यार. सिब्बू कैसी बातें कर रही है, कार से जाने में बहुत घंटे लगते हैं. 12 घंटे तो लगते हैं, कल निकल लेते मतलब. गाइस नो कमेंट्स गाइस. नहीं सिब्बू एक बात बता, हमसे इतनी आगे जाके क्या उखाड़ लिया? देखो कोई जवाब नहीं है तो आगे चल पड़ी. और इतनी फसे कस्टम देख रहा हूँ, देखो एयरप्लेन. हाँ. देख ले जहाज, देख ले वो उड़ रहा, देख वो उड़ रहा, वो देख विस्तारा का प्लेन उड़ रहा है. देख ले अभी तू बैठेगा अभी इसमें भाई. So guys, good morning. We are in Mumbai and here is Sibbu. उतरते ही मुंबई में व्लॉगिंग कर दी स्टार्ट सिब्बू ने. सो गाइस स्ट्रगल देख रहे हो, आंखों में भरी हुई है नींद, वहाँ पीछे बेल्ट पे आने वाला है सामान और हम तीनों बैठ के इधर कर रहे हैं वेट सामान का, लेकिन मैं कर रहा हूँ व्लॉग एडिट यहाँ बैठ के एयरपोर्ट के ऊपर. जस्ट मुंबई पहुंचा हूँ, आंखें लाल हुई बड़ी है, लेकिन देख रहे हो 365 दिन व्लॉग डालने हैं तो व्लॉग एडिट कर रहा हूँ मैं अभी भी. बड़ा स्ट्रगल गाइस, बहुत तगड़ी नींद आई हुई है, ऐसा बन कर रहा है यहीं सो जाऊं, लेट जाऊं एयरपोर्ट पे ही. सो गाइस 11 बजे मेरे डेली व्लॉग आते हैं, 9:54 हो चुकी है, अभी व्लॉग हो रहा है रेंडर और सिब्बू के हो रहा है सर में दर्द. सिब्बू क्या हुआ, ऐसे परेशान क्यों बैठी है? मुझे भी बहुत आ रही है, बस देख कितनी मिनट दिखा रहा है रेंडर होने में, 5 मिनट दिखा रहा है, 5 मिनट रेंडर होने में लगेगी फिर चलते हैं. गाइस डेली व्लॉग भाई बहुत मुश्किल टास्क हो रखा है यार, लेकिन देखो कर रहे हैं, चाहे पैर में चोट लगी हो, चाहे कान का पर्दा फटा हो, चाहे मुंबई आए हो, चाहे दिल्ली में हो, लेकिन व्लॉगिंग हो रही है. एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, वीडियो रेंडर कर रहा हूँ, अभी देख लो सामने आपके. कर रहे हैं ना यार, लाइक करो यार वीडियो को, मुझे नहीं पता, और कमेंट करो. इतनी गंदी नींद आई हुई ना, बस ऐसा लग रहा है यही लेट जाऊँ फर्श पे लेट जाऊँ. तू भी लेट जा फर्श पे सिब्बू. तो भाई शिवम ये बता, पहली बार फ्लाइट में बैठ के कैसा लगा? भाई मैं बताऊँ. हाँ. मैं जो सोच रहा था ना कि ऊपर जाएगा तो ऐसा फील होगा, वो फील होगा, मेरे को सब कोई मतलब नहीं था. तेरे को पता है? मेरे को तो पता ही नहीं लगा, मैं तो बैठते ही फ्लाइट में सो गया, मेरे को पता ही नहीं लगा कब जहाज उड़ा, कब हम मुंबई में उतरे. मेरे को मेरे साइड वाले ने उठाया, अरे भैया उठ जाओ उतरना है, मैं कहा चलो भाई उठ रहा हूँ. मैं तो वेट कर रहा था पूरा कब ऊपर जाए. पता है जो मैंने मतलब देखा जहाज कैसे उड़ रहा है बादलों के ऊपर जा रहा है, मैंने यही तो नोटिस किया. पहले तो एयरपोर्ट छोटा सा हुआ, फिर शहर दिखा, शहर इतना छोटा दिखा, फिर जब बादल में गए ना, ओए होए होए होए. गाइस ये फर्स्ट फ्लाइट वाली एक्साइटमेंट हमारी तो खत्म हो रखी है यार, इतनी बार जहाज में उड़ चुके हैं ना, पता ही नहीं है यार कि क्या करना है क्या नहीं करना. हम तो जाते ही सो जाते हैं चुपचाप, और अगर सोते नहीं है तो जाके खा लेते हैं कुछ ना कुछ. फ्लाइट पे बैठते भूख लगती है तो कुछ ना कुछ ऑर्डर करते रहते हैं फ्लाइट में और खाते रहते हैं. पता नहीं क्या व्लॉग बना रहा हूँ, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ भी बोल रहा हूँ मैं. सो गाइस 2 घंटे ट्रेवल करके हम लोग पहुंच गए हैं अपने होटल. अभी होटल का टूर करवाने की हिम्मत नहीं है क्योंकि बहुत गंदी नींद आ रही है. सिब्बू और ये शिवम गाड़ी में भी सो गए थे, 2 घंटे इन्हें बढ़िया नींद खींची है. मैं तो सोया नहीं, मैं तो भाई बात करता हुआ आया हूँ इन लोगों के साथ, तो मैं अभी होटल जाके सोऊंगा और फिर होटल का टूर मैं करवाऊंगा जब मेरी नींद पूरी हो जाएगी उसके बाद. बाकी भाई मेरे पीछे देख लो, फुल बीच वाली फीलिंग क्योंकि हम मुंबई के बीच पे अभी. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign.
भाई होटल के अंदर आ गए हैं, अभी हमारी रूम की चाबी आ रही है। थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ, हल्का फुल्का सा। ये देखो भाई, पूरा पूल वूल का एरिया है। पूरा टूर तो बाद में करवाएंगे सिब्बू, है ना, अभी हिम्मत नहीं हो रही। चल तू चल यहाँ से, व्यू के मजे मत ले सिब्बू, चल तू जाके सो जा। अभी तूने बोला था नींद आ रही, यही सो जा तू, यही लौट जा फर्श पे बस ना। So guys, होटल रूम में आ गए भाई। होटल का टूर, रूम का टूर, सारा टूर बाद में होएगा, अभी मैं जा रहा हूँ सोने। So दोस्तों दोस्तों दोस्तों, ये देखो, ये है भाई व्यू। सिब्बू गई सो, करे भाई नाश्ता, करे भाई। स्वाद आ रहे हैं, तुझे भी भूख लग रही है, आजा मंदा करता हूँ इसको, रुक जा यहाँ से मंदा कर देता हूँ। 19 था, 24 कर दिया, पहले 19 डिग्री था, अभी 24 कर दिया, ठीक है ना। अब बंद ही कर दो, एकदम चिल्ड है, जब लगे कि गर्मी चला लेंगे। इधर ले आओ, थोड़ा खा लेती हूँ, भूख लगी है। ओके, सो गाइस, होटल से डायरेक्ट हम लोग आ गए हैं बीच पे। बीच है क्या यार, पता नहीं, देखो सामने। और अभी हम जा रहे हैं शूट करने के लिए, हमारे गाने का शूट स्टार्ट है सिब्बू थोड़ी देर में। अभी सिब्बू रेडी होएगी, हमें शायद फेरी में बैठ के ये उस साइड जाना है, परली साइड। I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive. Sibbu ka mota mota face aur mera bhi. Mota bhi mota nahi hai. Aise kyun to Sibbu dekh ke? So, दोस्तों अभी हम लोग पहुंच रहे हैं बीच पे और हमारा आज फर्स्ट शॉट शूट होने वाला है थोड़ी देर में। एंड ओनली संजू का शूट चल रहा है, अच्छा, और सिर्फ दो शॉट है आज हमारे, वो करने के लिए बीच पे हैं, बाकी कल हमारा सारा इंडोर है। और पीछे पूरा गोवा वाली वाइब आ रही है भाई, सेक्सी हो रखा है मौसम, गर्मी तो फुल है लेकिन यहाँ भी। क्या हो गया सिब्बू, क्या हो गया? मैं ऑडियंस को नहीं, तुम्हें चिढ़ा रही हूं। हाय सिब्बू, मेकअप करना स्टार्ट आते ही सिब्बू की पसंदीदा चीज। अच्छा एक चीज और दिखाता हूँ, ये देखो सिब्बू। हाय एनी, शी इज एनी, कैसे हो? I'm fine, I'm good. ये क्या कर रहे हो सिब्बू के लिए बाल? सिब्बू के लिए बाल का कर्स कर रही हूँ, वीक है। पता लगेगा वैसे सिब्बू के कि छोटे बाल से बड़े हो गए एकदम से? एक सेकंड में पता तो नहीं लगेगा ना, बिल्कुल नहीं लगेगा। पर ये पता चलेगा कौन सा ऑयल यूज करते हैं। कौन सा ऑयल यूज करते हैं, कैसे लंबे बाल कैसे हो गए? हाँ भाई, कौन सा तेल लगाती है सिब्बू? सरसों का? हाँ, रिफाइंड लगाती है, कोकोनट ऑयल। सो गाइस, ये देखो मेरा कितना मेकअप कर दिया है, और ये हमारे डायरेक्टर सर हैं। हेलो, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। अरे मेकअप मतलब भाई, हमारे स्टार आदमी है। कैसे स्टार? स्टार स्टार की तरह दिखना चाहिए, हमारा मेकअप थोड़ी करवाना है, हमें थोड़ी फ्रेंड को कैमरा दिखना, भाई को दिखना। मैं पर ऑडियंस को पूछूंगा, कमेंट करके बताओ यार कैसा लग रहा हूँ, मतलब व्लॉग में, मतलब नॉर्मल फेस तो अजीब ही रहता है बिल्कुल, और अभी बिल्कुल अलग है हमारे कैमरे के लिए। तो अभी हम आ गए हैं, थैंक यू वेरी मच बीइंग विद अस विदाउट मेकअप। थैंक यू, बट वी लुक टू प्रीटी एंड नहीं, एक्चुअली मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं शक्ल चेंज हो गई, सर्जरी वर्जरी करवा दी एकदम से मैंने। सच में? चलो जी, 17-18 साल की लड़की ने बोल दिया तो हो ही गया। ओके, थैंक यू। शिवम तू बता सही सही, कैसे मतलब कैसा लग रहा है मेकअप? मतलब सही है, ओवर नहीं लग रहा आपके ऊपर, मतलब ठीक लग रहा हूँ, हैंडसम लग रहा हूँ बहुत ज्यादा। वो तो बिना मेकअप के भी लगते भाई, वो तो सच है, पर मेकअप वाला हैंडसम, मेकअप वाला हैंडसम, आई डोंट नो कि मैं लग रहा हूँ या नहीं लग रहा, बिना मेकअप के लगता हूँ ये मुझे पता है। पीछे समुद्र देखोगे? समुद्र दिखाऊं? ये देखो, ये देखो भाई। हाँ भाई शिवम, पीछे देख सनसेट होने वाला है, है ना, मस्त लग रहा है ना, पीछे एक नंबर का व्यू है। अभी मेरे को सीन के अंदर वो भी चलानी है, जेट स्की, वो देख रहे हो, ए वो रहा जेट स्की, टीरी का बहुत एक्सपीरियंस है मेरे को। हाय सिब्बू, अभी जेट स्की के ऊपर बिठा के घुमाना है तेरे को। अच्छा, ऐसा भी कुछ है? ऐसा भी कुछ है, यस। चलो, शर्त है ये मेरी, जो मेरे हो मेरे रहो, दिल से मैं सुनता रहूं, नजरों से तुम कहती रहो, ना मैं तेरे बिन रह सकूं, ना तू मेरे बिन एक पल भी रहे, बिठा लूं तुझे रूबरू, जी भर के तुझे देख लूं।
तुम्हें दाखिल तुझे कर लूं। हो गया भैया, हो गया। बैन मेरा फोन है, सिब्बू का फोन है। सिब्बू जी, मैंने मिक्सअप बनाया पूरा। आधा आधा हम बांट लेंगे इस ब्लॉग को गाइस। सिब्बू के फोन में सारा ब्लॉग बन रहा है, लेकिन हम आधा आधा इसको बांट लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। तो ये आप क्या लाए हो मैम हमारे लिए, बताओ अपने घर से स्पेशल। ये ना वैसे हम राजस्थानी है ना, तो डिब्बा अपना साथ में ही जाएगा। वाओ, पूरा मतलब खाने का स्टफ। यस यस यस, ऑलवेज। अच्छा मतलब सबको खिलाते हो या अकेले खाते हो सारा? आई लव सब पूरे यूनिट का है, सबकी चिक्की है, सब कुछ है। इससे खाऊं मैं क्या? ये है ग्राउंड नट चटनी, ये बड़ी पॉपुलर है महाराष्ट्र। खाएं पूरी को? हाँ, यस यस। एंड ये क्या है? तो खाकरा। ये तो मैंने कभी खाकरा नहीं खाया आज तक जिंदगी में, आपको पता है? कसम से, बस सुना है, मूवीज में देखा है और सुना है। खाया तो खाकरे की इंसल्ट हो जाएगी आपको, खाकरा खाना ही है। वेरी, चलो भाई, बहुत दूर तक चलता है ये, साथ में चलते हैं ट्रैवल में। एंड दिस इज पिकल, ये बहुत यम्मी है। ओके, बहुत यम्मी है सच में। ये खाकरा ट्राई करके, वाओ, प्रिटी लग रहे हो आप, ये काकरा खा रहे हो। ऑरेंज एंड दिस होल कॉम्बिनेशन फ्रेम भी आपकी बहुत बढ़िया आ रही है। सही है सिब्बू, इट्स सीरियसली। पापड़ से तो बहुत अच्छा है। यस, मिलता है ले जाएंगे। यस यस, यस यस, अपने उधर भी मिलता होगा। बट नॉट लाइक दिस, बिकॉज यहाँ पे गुजराती राजस्थानी बेस है, सो यहाँ के खाकरा बड़े अच्छे, जैसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक, वो वाली फील। तो और मैंने एक स्वीट भी लाया आपके, काफी अच्छा है। चिक्की लाई है, लोनावला चिक्की खाया मैंने। चिक्की खाया? हाँ, चिक्की तो मैंने खाया है। लोनावला की फेमस चिक्की। तो अभी हम ये भी ट्राई करेंगे। मिक्की माउस को भी सलाह दे सिब्बू, वो भी पूछ हिला रहा है। सो गाइस, इसी के साथ आज का हमारा, देख रहे हो पीछे हो गया रैप अप, पूरा शूट खत्म हो गया आज का हमारा। कैसा हैंडसम सा लग रहा हूँ यार आज मैं, वाओ। सो गाइस, आज का खत्म हो गया, कल फिर अभी सुबह जल्दी उठना पड़ेगा टाइम से। एंड अभी इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। और कैसा रहेगा अपना नया सॉन्ग कमेंट करके बताना, कैसी लगी हमारी शूटिंग। और जी भर के गाना जो मैंने वीडियो में बीच में भी डाला है, इसको जरूर देखना वोयला डीजी यूट्यूब चैनल के ऊपर। और कैसा लगा जी भर के, वो भी जी भर के गाने पे जाके कमेंट करो, ठीक है? लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। चलो फिर कल मिलते हैं सुबह 11 बजे नए व्लॉग के साथ। अब तक के लिए ध्यान रखो, लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, कल मिलेंगे फिर, लव यू, बाय।